हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग कुमार आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, यह आपका ही प्यार है कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं आपके सामने ऑन कैमरा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ बाबा केवल स्थान के मंदिर में, और उतना ही नहीं, मैं आपको और भी बहुत जगहों का दर्शन करवाने वाला हूँ और आपको रोमांच से भरने वाला हूँ। तो चलते हैं और घुमाते हैं आपको बहुत सारे जगहों पे, साथ ही साथ बाबा केवल के दरबार में जाने से पहले आपको एक जगह और मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ, और वो है बाबा भुइयां और माता गहिल का स्थान। यहाँ पे आके आप बाबा भुइयां और माता गहिल का दर्शन भी कर सकते हैं, और यह मूसापुर में पड़ता है। मूसापुर बांध, जिसको ककराहा बांध कहा जाता है, यहाँ आप बाबा का दर्शन। अब हम लोग चल चुके हैं बाबा केवल धाम के टूर पर, और मूसापुर से आप बाहर जा रहे होंगे तो ये पुल आपको क्रॉस करना पड़ेगा। मूसापुर एक आइलैंड की तरह है, आप चाहे जिधर से जाएं आपको पुल क्रॉस करना ही पड़ता है। तो चलिए, हम लोग भाया मूसापुर जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो ये पुल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने के बाद हम लोग चंद्रहासा होते हुए जो है बाबा केवल धाम को जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग बांध का रास्ता पकड़ते हैं तो काफ़ी वो दूर हो जाता है। वो भी हम आपको जस्ट दिखाने वाले हैं कि कौन सा रास्ता आपको पकड़ना चाहिए, इसके लिए बेहतर होगा। देखिए, ये जो आपको राइट नज़र आ रहा होगा, ये रास्ता बांध होके जाती है और बहुत दूर पड़ेगी आपको, 3-4 किलोमीटर। लेकिन यहीं आपको अगर लेफ्ट वाला रास्ता अगर आप लोग ले लेते हैं तो आपको सीधा 3-4 किलोमीटर लगभग की बचत हो जाती है। तो इस रास्ता को ही आप लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे, बेहतर। ज़्यादा दूर नहीं, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि देख सकते हैं केवल स्थान मात्र 1 किलोमीटर है। मूसापुर पंचायत की तरफ, ये जो पंचायत है, ये जो एरिया है, वो मूसापुर पंचायत में पड़ता है, और ये लगमा गांव है। और दोस्तों, यहाँ आने से पहले, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह एक मंदिर टाइप का बना हुआ है, और इसमें मूर्तियाँ बनी हुई है, वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं बाबा अमर सिंह जो कि बाबा केवल के मित्र थे। उसके बाद आप यहाँ बाबा केवल को देख सकते हैं, ये बाबा केवल है, और जो कि यहाँ पे बाघों को मार रहे हैं। जो ये बाघिन है, इसका नाम है लूही बाघिन। और नीचे आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा, टोटल 5 बाघों को, शेरों को उन्होंने मारा था। तो यहाँ आप लोग इनका दर्शन कर सकते हैं, और ये मूर्ति काफ़ी मनोरंजक बनाया गया है, देखने लायक है। यह यहाँ लोग इसको झांप कहा जाता है, ये झांप चढ़ाते हैं, प्रभु पर करते हैं। फिलहाल हम माता कमला की मंदिर पर हैं, और माता कमला का दर्शन अब हम आपको करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग भी माता कमला का दर्शन करें और कृपा करें। भक्तों को माता कमला का दर्शन करवाइए। ये है माता कमला। तो दोस्तों, दर्शन कीजिए माता कमला का, और यहाँ जो भी जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, पीछे नदी है जिसे हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, उस नदी में स्नान करके और माता कमला की पूजा यहाँ की जाती है। और यहाँ पे पान फूल प्रसाद जो भी है वो भी मिलता है, होटल वगैरह सब है। आप यहाँ चाहें तो नाश्ता भोजन कर सकते हैं, वो भी हम आपको एक एक करके दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल एक चीज़ और हम आपको दिखाएंगे, और वो है जोगी स्थान। वहाँ पे जोगी बाबा की मूर्ति है, और जस्ट हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यह है जोगी बाबा, और यहाँ जोगी बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो जोगी बाबा का दर्शन करने के कष्ट। अब हम लोग यहाँ के बाद आप जस्ट नीचे ढूंढने वाले हैं, और यहाँ इसी रास्ते के माध्यम से हम लोग आगे बाबा का दरबार चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते रहिएगा, बहुत ही मज़ा आता है। ये जो आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं, वातावरण देख रहे हैं, वो भी काफ़ी लुभावना है। यही नदी है जिसके बारे में मैं आपको उस वीडियो में बता रहा था।
ठीक है, तो इस नदी का आनंद लीजिए। और आप देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे भी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, काफ़ी खुशनुमा माहौल है यहाँ पर। ये वही नदी है जिसके बारे में यह मान्यता है कि कोई भी मछुआरे को अगर कहीं भी मछली ना मिले अपने भोजन के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि हर हाल में कम से कम खाने लायक मछली उनको ज़रूर प्राप्त हो जाती है। तो वास्तव में यह इस मंदिर का जो महात्म्य है वह सोचने लायक है और दर्शनीय है। शायद आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा केवल के पावन मंदिर पर। तो आइए हम उनके समाधि स्थल का आपको दर्शन करवाते हैं, बाबा केवल स्थान, जहां की बाबा केवल का समाधि स्थल है। चलिए लेकर चलते हैं आपको और समाधि स्थल का दर्शन करवाते हैं। दोस्तों यहाँ पिंडियों के रूप में बाबा केवल की पूजा की जाती है। आप पिंडियों को देख सकते हैं, पिंडियों का दर्शन कर सकते हैं। और ये पिंडियाँ इस पीपल के पावन वृक्ष के नीचे है, और पीपल का वृक्ष जिसे देवों का, भगवानों का वृक्ष माना जाता है। हम आपको बाबा की परिक्रमा करवाते हैं। देख रहे हैं कि हमारे दो भाई भी आए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, तो मिलते हैं लोगों से। बताइएगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटा है। छोटा जी, तो बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबा पे विश्वास है? पूरा विश्वास है। बराबर आप पे रहते हैं जी? और जैसा सुना है कि हाल फिलहाल मेला भी लगने वाली है। हाँ, लगने वाला है। अच्छा, तो इंटरेस्टेड है काफ़ी? पूरा काफ़ी। धन्यवाद। आपका भैया क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक यादव हुआ। अच्छा, हम बगल से ही हैं, रायपुर विजेश मेरा गांव है जी। और यहाँ पर इनका बादल का महिमा बहुत अपार है, बहुत। हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं। अच्छा, बाबा से भेंट करने के लिए। कुछ दिन पहले हम लोग का ये एग्जाम कर खत्म हुआ है। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। इससे पहले भी हम बाबा से मिल कर गए हैं, यहाँ दर्शन लेके गए, बाबा से आशीर्वाद लेके गए। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि बाबा केवल से ये भक्त बराबर आते रहते हैं आशीर्वाद पाने के लिए, और इनका दर्शन लेकर जाते हैं ताकि जीवन में आगे बढ़ते रहें, सफलता को। आज हम आपको एक अमेजिंग बात बताने जा रहे हैं, बाबा की कहानी, जो कि आपको रेयर केस में मिलेगा। और मैं आपको ये कहानी यहाँ के ही एक लोकल व्यक्ति के द्वारा आपसे सुनवाने जा रहा हूँ, जो कि बाबा के बारे में जानते हैं, उनके बहुत बड़े भक्त भी हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं बाबा की कहानी, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि बाबा केवल स्थान और यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर शिवरा चकसाहो नामक जगह, जो कि शाहपुर पटोरी के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ के बाबा अमर सिंह के बीच में क्या रिश्ता है। बाबा अमर सिंह जो है, जब दिल्ली से आए शिवरा में स्थान दिए, शिवरा में स्थान दे के और रहना शुरू किए। उसके बाद मुसलमान लोगों ने बहुत तंग तबाही किए। तंग तबाही करने के बाद वो जो है अपना जो है ढूंढने लगे, जो हमारा जगह जो है कैसे रहेंगे। उसके बाद ढूंढते ढूंढते इंद्रवाड़ा गांव में आए। अच्छा, इंद्रवाड़ा गांव में आ करके और क्या कहता है कि महाराज केवल से मिले और मिल के कहे कि सारा अपना दुख को बताने लगे, और दुख बता के उनको कहे कि हमारा दुख को जो है आप दूर कर। इतना बात पर महाराज केवल जो हैं, जो राजा सलेश से जाके मिले, उनकी दोस्त है, बाबा के केवल बाबा केवल बाबा का दोस्त है। उनसे मिले कि एक ने बाहर की लोग आए हैं और उनको तंग तबाही है, इसलिए थोड़ा हमारा मदद चाहिए। उसके बाद वो कहा कि क्या मदद करना है बताइए। इन बातों पर कहा जी ऐसे ऐसे बाबा अमर सिंह का वहाँ कष्ट देता है मुसलमानों लोग, उस चीज़ का कष्ट का दूर करना है, किस तरह होगा उसको बताओ।
वही जो है राजा सलेश, राजा सलेश ने सुगर नियुक्त के महाराज केवल की कहने की बात, दोनों दोस्त थे और चले जहाँ से शिवरा स्थान सुगर लेके। अच्छा। और सारे मुसलमानों के घर घर में सुगर ढुका के। अच्छा। और उनको जो है दुख का दूर किए, विवश कर दिया उन लोगों को जगह देने के लिए। इसलिए बाबा अमर सिंह ने दोनों मित्र हो गए, दोस्त हो गए, दोनों मित्र था बाबा केवल स्थान और बाबा अमर सिंह, बाबा अमर सिंह के दोनों आदमी मित्र हो गए। महाराज केवल के, महाराज केवल के जो है रात में सपन दोष हुआ, सपन दोष होने के बाद जो हेमंत चर में मछली का बहुत उत्साह है, इसीलिए जो है महाराज केवल वहाँ से इंद्रवाड़ा गांव से हेमंत चौर में जो है चल दिया। भत्तन भाई को अगर उठाए, कहे कि भैया चलो से वहाँ हमको सपन दोष हुआ है, जो मछली का बहुत हेमंत में जो है भौज लगा हुआ है, से चलिए। इसी रात था, उतने देर में यहाँ जो है खेमट चौर में देव की गोही मला था, उन्होंने नाव खींच के उनके ऊपर कर दिए, ऊपर करके कतरा के झराट में फेंक दिए। अच्छा। वो आए नाव खोजने लगे, नाव नहीं मिला, नाव के रेगहा देखते और कतरा के झाड़ में चले गए, खोजते खोजते वहाँ पर नाव था। अच्छा। वहाँ से नाव मिला, फिर लेके अपना खेमट चौर में आ गया। खेमट चौर में आने के बाद वहाँ जहाँ मछली का जो संचालन था वहाँ पर जाल जो है फेंके, तो उस जाल में देवकी जो है उसमें प्रवेश कर गया, प्रवेश करके उस जाल को पकड़ लिया। ये देवकी कौन थे? देवकी गोरमला था, जैसे यहाँ के। अच्छा अच्छा अच्छा। उस क्या का वो मंगाए थे बाबा अमर सिंह महाराज केवल के तबाही करने के लिए। अच्छा अच्छा। वो जाल ने पकड़ के वहाँ लुल्ही बाघिन तैयार हो गया, ये ऊपर खींचते हैं वो नीचे खींचता है, और इतने देर में वो कहा देखिए एक तो वीर हम है, कौन कैसा हो गया जी, फंस गया नीचे उतर के। और नीचे जाते हैं तो नीचे जो है बाघ है खाली। अच्छा। सबको रान फाड़ फाड़ के फेंकना शुरू किए, सारे बाघ को मार दिए, सारे बाघ को मारना शुरू किए। उसके बाद एक उसमें था बाघ जो एक को मारने से सहस्त्र को तैयार होता है, जिसका नाम था लुल्ही बाघ। और सारा बाघ के मार के ऊपर होके जब चले तो इस पर जो है आरंभ युद्ध किए काशी चोरी में। वहाँ पर युद्ध होते होते 7 दिन 7 रात हुआ, एक पानी के बगैर उस जगह महाराज केवल जो है आत्मा को जो है अपना छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, आपने सुना यहाँ पे उनके उनके कहानी को सुना, उनके महात्मय को सुना कि कैसे अपनी वीरता का परिचय वो देते रहे हैं, और यूं ही नहीं उनकी इतनी पूजा की जाती। दोस्तों यह ऐसा स्थल है जहाँ पे लोग भारी मात्रा में पूरे देश के कोने कोने से और देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एक बात और हम आपको यहाँ जानकारी देने जा रहे हैं कि जो नदी हमने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, उस नदी की उत्पत्ति से संबंधित आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं जो श्रीमान के माध्यम से हमको मिलेगी। और इस नदी में जल नहीं, सूखा हुआ नदी में केवल महाराज ने उसमें बाड़ी बांधे, और बाड़ी बांध के यहाँ से जितने भी जाति बंधु भाई था उनको कहा कि आप लोग यहाँ रहिए, हम जाते हैं गंगा, गंगा से एक चुरू जल लाएंगे, उसके बाद यहाँ जो है बाड़ी में पानी चलाएगा और मछली चलाएगा। यहाँ से गंगा गए, गंगा से एक चुरू जल ला के चले, वहाँ से गिराते गिराते आए यहाँ, पानी भी और मछली भी हो गया। यहाँ जो है मछली एकदम इतना हुआ जो हमारे उस समय में मछली तुरहा लोग बेच रहा था, तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी तुरहा का गांव था, वहाँ खबर किया जो जितने भी तुरहा लोग मछली बेचने वाले हैं वो यहाँ आइए, मछली यहाँ बहुत पड़ा हुआ है, मिलेगा मिलेगा। वहाँ से तुरहा लोग आया आ करके और मछली उठाए, और महाराज केवल को जो मरे थे वो गरीब आदमी थे, बिल्कुल गरीब आदमी थे, खाने के लिए उपाय नहीं था, वही मछली बेच के उनको जो है सुख श्राद्ध हुआ। और जहाँ पर भाई भत्तन जाते थे कि कर्कुट मिटा में कहने के लिए जो हमारा भाई जो केवल है मर गया है, उनकी इतनी डेट के जो है काम कर्म क्रिया है, तो उससे पहले 1 घंटा पहले उस गांव में ही पहुँचते थे महाराज केवल, खुद पहुँचते थे। उसके बाद 1 घंटा के बाद वहाँ भत्तन भाई जाता है, जाने का बाद
जो कहा जे भाई हमारा भाई भत्तन मर गया, तो लोग कहा जे भाई केवल 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 महाराज तो अभी गया है, मर गया कैसे, नहीं तो फलाने दिन का मर गया, कहा नहीं एक घंटा पहले यहाँ से गया है, मर गया कैसे, लोग ने कोई विश्वास नहीं किया, नहीं विश्वास किया। फिर कुछ दिया सारा जगह से वो घूम के आए, आगे आगे महाराज केवल, पीछे से भत्तन भाई। उसके बाद लोगों ने कोई विश्वास नहीं किया, लोग ने यहाँ आके गांव से प्रक्रिया करके पूछा जो इस बात सत्य है या असत्य है, तो यहाँ से पता चला बात सत्य है। उसके बाद उसी मछली के पैसे से उनकी खुद शराब हुई। अच्छा, इंटरव्यू अभी हमने लिया, वो वास्तव में बाबा केवल के ही वंशज हैं, और इनका कहना है कि जो नदी हमने आपको दिखाया था, आइए फिर से दिखाते हैं आपको, ये जो नदी आपको मैंने दिखाया था, इसी नदी से इन लोगों ने अपना पूरा जीवन यापन किया है, इनके पूर्वजों तक ने अपना जीवन यापन किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि बाबा केवल के माध्यम से, उनकी कृपा से इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इतने लोगों का पेट भर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे भक्त अपनी मुराद पूरी होने के बाद बलि भी चढ़ाते हैं, और कितनी बलि चढ़ती है इसकी जानकारी आपको हम तुरंत दे रहे हैं, तो बताइएगा कि लगभग कितनी बलि यहाँ चढ़ जाती होगी। यहाँ जो है चैत्र रामनवमी मेला के अंदर अंतर्गत में जो बलि जो है आपका कम से कम तो 20,000 जो है बलि पड़ता है, 20,000। और उसके बाद हर महीना में 200, 400, 500 हर महीने में जो है हर दिनों में से बलि पड़ता है। शुक्रवार, बुधवार और सोमवार सप्ताह में 3 दिन विशेष पूजा यहाँ की जाती है बाबा की, और इस तीनों दिन बलि का प्रावधान है। 400 के और यहाँ पे रामनवमी के दिन चैत्र रामनवमी जो कि साल 2020 में 2 अप्रैल को होने जा रहा है, इसमें इस दिन यहाँ भारी मात्रा में जो कि आपने सुना इनसे इतनी ज़्यादा मात्रा में 10,000-20,000 ये यहाँ तक डाटा चला जाता है इसका। और अगर आप लोग भी आनंद लेना चाहते हैं इस मेले का, जो कि हमारे बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेला है सोनपुर के बाद, और ये राजकीय मेला भी घोषित है सन 2010 ईस्वी में, माननीय नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, इन्होंने 2010 में इसे राजकीय मेला घोषित किया था। दोस्तों, यह विश्रामालय है, और यहाँ पर जो भी बाहर से दर्शन करने आते हैं मेला के टाइम में, तो उनके रुकने की भी प्रबंध यहाँ की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना बड़ा जगह है, यहाँ पे लोग सो सकते हैं। दोस्तों, ये जो गांव है वो इंद्रवारा गांव पड़ता है, जो कि मोड़वा ब्लॉक, समस्तीपुर के मोड़वा ब्लॉक में है, और उस पार जो गांव था, जो नदी के उस पार का गांव है, वह मूसापुर पंचायत अंतर्गत लगमा गांव है। दोस्तों, हम अब ऐसी जगह आ चुके हैं, और ऐसा जगह आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि बाबा केवल का अखाड़ा माना जाता है, और यहाँ पे बाबा का मंदिर भी बनाया गया है, जहाँ पर हम आपको लिए चलते हैं। मित्रों, उधर बाबा जो बाएं साइड में है बाबा अमर सिंह है, और दाहिने साइड में बाबा केवल महाराज हैं। बाबा यहाँ कुश्ती के लिए आया करते थे, और यहीं पर बगल में मंदिर के दाहिने में बाबा रघुनाथ ब्राह्मण, जिनका आशीर्वाद लेकर ही बाबा कुश्ती के लिए जाया करते थे, इनकी भी प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। यह गांग मोहन अखाड़ा घाट रायपुर बुजुर्ग में पड़ता है, जो कि सरायरंजन ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं, माता गंगा का दर्शन करवाते हैं, और साथ ही साथ माता कमला का भी दर्शन आपको करवाते हैं। मित्रों, ये माता गंगा है, जिनकी कुछ मनोकामना होती है वो यही बगल में नदी में स्नान करते हैं, और यहाँ माता गंगा को की और माता कमला की पूजा करते हैं। और दोस्तों, यानी साथ में इधर हम देख सकते हैं माता कमला को, जो कि कमल जिनका आसन है वो कमल पे विराजमान है, तो माता कमला लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि इस मंदिर के ठीक सामने में यहाँ एक शिवलिंग भी स्थापित किया हुआ है। अब हम आ चुके हैं बाबा के अखाड़े पर, और इसी अखाड़े पर यहाँ पे बाबा की इस स्थान में भी पूजा होती है, और मेला में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि दूर दराज से दूर दूर से
लोग यहाँ बाबा का दर्शन करने आते हैं और ये वही जगह है जहाँ बाबा की पूजा की जाती है पिंडियों के रूप में। यहाँ पे दो पिंडियाँ हैं, एक बाबा संभवतः एक बाबा अमर सिंह की और दूसरा बाबा केवल की। तो साथ ही साथ हम आपको वो जगह भी दिखाना चाह रहे हैं जहाँ पे केवल बाबा कुश्ती लड़ा करते थे, जो कि आपको बस थोड़ा देर पहले ही केवल स्थान में हमने वही जगह है, वो सामने वाला पेड़ आपको दिख रहा होगा जहाँ पर वो खेत है, उसी खेत में बाबा कुश्ती लड़ा करते थे। क्योंकि औरतों को अखाड़े पर पूजना मना है, इसीलिए अखाड़ा यहाँ बनाया गया है। वास्तविकता यह है कि बाबा कुश्ती वहाँ लड़ा करते थे और दोनों जगह अपने आप में बहुत ही पवित्र है। अब हम आपको यहाँ के इस मंदिर के दोनों पुजारी जी से मिलवाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, यह बाबा के दोनों पुजारी जी हैं, वर्तमान पुजारी हैं और यही फिलहाल इस मंदिर में बाबा का सेवा करते हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? बलेश्वर सहनी। बलेश्वर सहनी बाबा का नाम है और आपका बाबा? श्री शिव शंकर सहनी। श्री शिव शंकर सहनी, वर्तमान में यही दोनों भक्त बाबा के सेवा में लगे रहते हैं। इस जगह पे जहाँ पे भक्त स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद ही बाबा का पूजा करते हैं और यहाँ पूजा करने के बाद ही जो भक्त हैं वह केवल स्थान को जाते हैं। तो यही वो नदी है जहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं, यही भक्त स्नान और करते हैं। ये इस वीडियो का अंत होता है और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के पुजारी जी का, उस केवल स्थान के वहाँ के लोकल लोगों का, कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया और जानकारी को आप तक पहुंचाने में सहायता की। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर